नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसे सुनकर हम खुश होते हैं, कुछ फैसले हमें अंदर से झकझोर कर रख देता है, तो कई बार कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिसे सुनकर हम हैरत में पड़ जाते हैं। अब एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट की ओर से ऐसे ही फैसले सुनने को मिला है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने एक युवक को संतान उत्पत्ति के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। आपको बता दें कि उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने दया याचिका पर उस युवक को 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकाला है। क्या है यह पूरी खबर, बताते हैं विस्तार से। निसंतान महिला की याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा काट रहे उसके पति को संतान उत्पत्ति के लिए 15 दिन की पैरोल की अनुमति दी है। कोर्ट ने संतान उत्पत्ति को मौलिक अधिकार माना है। अभियुक्त प्रेमिका की हत्या करने के जुर्म में वर्ष 2012 में जेल में कैद हैं। आपको बता दें कि अभियुक्त प्रेमिका की हत्या करने के जुर्म में 2012 से ही जेल में कैद है। आपको बता दें कि विक्की प्रेम का नाटक दूसरी लड़की से कर रहा था और शादी परिवार वाले की पसंद से दूसरी लड़की से कर ली। शादी के बाद प्रेमिका उस पर साथ रहने का दबाव बनाने लगी। यह देख उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और वर्ष 2012 में बहाने से बुलाकर उसे कमरे में बंद कर दिया और शरीर में आग लगा दी। गंभीर हालत में युवती को PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने के पहले युवती ने पुलिस को बयान दिया था कि विक्की ने ही उसे जलाया है। आपको बता दें कि यह घटना विक्की की शादी के 6 महीने बाद हुई थी। तो वहीं कानूनी मामले के जानकारों ने बताया है कि बिहार में इस तरह के मामले में पैरोल मिलने का यह पहला आदेश है। अभी तक सवजनों के अंतिम संस्कार, शादी विवाह जैसे मुद्दे पर कैदियों को पैरोल मिलती रही है। आजीवन कारावास भुगत रहा युवक रहुई प्रखंड के उतरनावा गांव निवासी विक्की आनंद है और उसकी पत्नी रंजीदा पटेल ने अधिवक्ता गणेश शर्मा के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में संतान उत्पत्ति के लिए पति को पैरोल पर देने के लिए 2019 में ही याचिका दायर की थी। पैरोल पर रिहा करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय के जज राजीव रंजन ने दिया है। तो आपको बता दें कि उसकी पत्नी ने जज राजीव रंजन के सामने यह अपील की थी कि अगर उसके पति को पैरोल नहीं मिला तो वह उम्र भर संतानहीन रह जाएगी, जिसके बाद जज ने उन पर दया की और उसके पति को 15 दिन का पैरोल दिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।